लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो कहते हैं नील को। ये लुईस फिशर्स का लिखा हुआ लेसन है। ये हमने इनकी पिक्चर भी डाली है गांधी जी की। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है ये। चंपारण से जो सत्याग्रह शुरू हुआ था। लेट्स कम टू द स्टोरी लाइन। दिस लेसन, ये लेसन हाईलाइट का मतलब होता है, हाईलाइट्स मतलब थ्रो लाइट्स ऑन, लाइट डालता है मतलब प्रकाश डालता है, द वेरी एक्टिव एडवेंट और एंट्री ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे गांधी जी की एक ज़बरदस्त एंट्री होती है भारत की आज़ादी के आंदोलन में। ए फार्मर नेम राजकुमार शुक्ला, एक किसान है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला जी, केम टू गांधी जी, वो गांधी जी के पास आते हैं टू सीक हिज हेल्प, उनकी मदद लेने के लिए, इन एलिमिनेटिंग द लॉ ऑफ शेयर क्रॉपिंग। किस चीज़ के लिए? कि ये जो शेयर क्रॉपिंग का लॉ है इसको ख़त्म कराइए। गांधी जी प्रॉमिस शुक्ला जी, गांधी जी ने शुक्ला जी को वादा किया ही वुड फाइंड टाइम, कि मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊँगा एंड कम टू चंपारण, चंपारण में आऊँगा। When गांधी जी विजिटेड चंपारण, फिर गांधी जी जब चंपारण आए, थाउजेंड्स ऑफ फेजेंट्स ऑफ फार्मर्स, हजारों किसान, छोटे किसान जो होते हैं उनको फेजेंट्स कहते हैं या शेयर क्रॉपर्स भी कह सकते हैं इस लेसन के अकॉर्डिंग, गैदर्ड, एकत्रित हो गए टू टेल गांधी जी अबाउट देयर पलाइट, गांधी जी को बताने के लिए अपनी दुर्दशा के बारे में। पलाइट होता है बेटे मिजरेबल कंडीशन, दुखद हालत, ड्यू टू द कंपल्सरी लॉ ऑफ शेयर क्रॉपिंग। क्यों दुखी थे वो किसान? क्योंकि शेयर क्रॉपिंग का कंपल्सरी कानून था। कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, किसी की मर्जी नहीं थी, ये कानून है सबको मानना पड़ेगा। शेयर क्रॉपिंग विच वॉज एन एक्टिव, विच वॉज एन एंशेंट और ओल्ड लॉ, ये एक बहुत पुराना कानून है, सालों से सदियों से चला रहा है, विच वॉज इम्पोज ऑन द फार्मर्स इन इंडिया, जो भारत के किसानों पर थोपा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इट वॉज ए कंपल्सरी रूल इन चंपारण, चंपारण में ये एक अनिवार्य कानून था, दैट एवरी फार्मर, कि हर किसान वुड ग्रो इंडिगो, उगाएगा नील की खेती क्रॉप्स फसल ऑन 15% ऑफ इस टोटल लैंड शेयर, जितना उसके पास लैंड शेयर है, मान लीजिए 10 एकड़ है तो 1.5 एकड़ पे, 1.5 एकड़ पे वो इंडिगो उगाएगा, एंड गिव इट एज ए लगान और टैक्स, और इसको एज ए टैक्स जो है देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर ऑन। लेकिन बाद में क्या होता है, ए जर्मन कंपनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, एक जर्मन कंपनी ने सिंथेटिक, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल था, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंडिगो बना दिया विच वॉज मोर यूजफुल, जो ज़्यादा उपयोगी था, एंड सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडेंट नीड इंडिगो एनी मोर, इसी वजह से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नील की डिमांड घट गई, उन्हें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, एंड द लॉ ऑफ शेयर क्रॉपिंग वॉज कन्वर्टेड इन टू कैश पेमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें इंडिगो नहीं दो उगा के, आप हमें नगद पैसा दो, नगद टैक्स जमा कराओ, किसानों के पास नगद पैसा था नहीं। टू द गवर्नमेंट मैनी फार्मर पेड विलिंगली, बहुत से किसानों ने तो स्वेच्छा से पैसा दे दिया, एंड सम अदर्स प्रोटेस्टेड, कुछों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में विरोध किया, एंड मैनी वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट दिस लॉ, और बहुत से किसान कोर्ट में जा खड़े हुए कि हमें इस काले कानून से, ब्लैक कानून से बचाओ। गांधी जी गैदर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन, गांधी जी ने यहाँ रह के लोगों से बातचीत करके, मिलजुल के सबकी राय लेके, ये सारी सिचुएशंस, इस सिचुएशन से संबंधित सभी डिटेल्स मीन्स बारीकियाँ इसकी सारी वो समझी। ही कंसल्टेड, और इस कार्य के लिए उन्होंने कंसल्ट किया प्रोमिनेंट लॉयर्स, प्रोमिनेंट होता है फेमस, बहुत ही लीडिंग, जो उस समय के पॉपुलर लॉयर से, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने, M.M. हुक, ब्रिज किशोर बाबू इत्यादि, बहुत से अच्छे अच्छे वकील थे जिनकी अच्छी कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही थी। गांधी जी ने कई वकीलों को डांटा भी, इतनी बड़ी फीस किसानों से क्यों लेते हो, बेचारे गरीब लोग हैं। ए नोटिस वॉज सर्व गांधी जी बाय द मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, चंपारण के जो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने गांधी जी को एक नोटिस दे डाला, क्यों दे डाला, टू लीव चंपारण, और ये कह दिया कि यहाँ से तुम चले जाओ, बिकॉज ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्योंकि उनके वहाँ रहने से इन चंपारण इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल अनरूली मॉब, ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही थी, अनरूली होता है इनडिसिप्लिन, काबू से बाहर, बेकाबू भीड़, बट गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर, गांधी जी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, बिकॉज ही वॉज विलिंग टू हेल्प द डिस्ट्रेस्ड फार्मर, क्योंकि वो दुखी किसानों की मदद करने के इच्छुक थे। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, बट इट बिकेम एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये एक बहुत ही ऑकवर्ड सी, मतलब
embarrassing, yes, embarrassing situation हो गई कोर्ट के लिए भी, फॉर द लॉ कोर्ट, बिकॉज thousands of farmer, क्योंकि हजारों किसान जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी आ गए थे, यहाँ के भी सब थे फ्रॉम द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, गैदर्ड इन मोतिहारी. सुबह से ही उनका जमावड़ा शुरू हो गया था मोतिहारी के अंदर इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी. वो सब गांधी जी के समर्थन में वहाँ आए थे, हु हैड कम टू हेल्प दैम एज ए मसीहा, जो उनका मसीहा बन के उनकी बात को आगे रखने के लिए, उनकी उनको बचाने के लिए इस काले कानून से आया था. सेवियर होता है रक्षक, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं. एंड सो द मोब सराउंडिंग द कोर्ट, भीड़ ने कोर्ट को घेर लिया. इट वॉज वेरी फियरफुल और स्कारी, देखने में डरावना लग रहा था, हॉरिबल लग रहा था. टू लुक एट द सीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीरी सीरी दिखाई दे रहे थे, किसान ही किसान दिखाई दे रहे थे. देर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेजेंट्स, हजारों हजार किसान वहाँ जब उनका जमावड़ा जमा हो चुका था. द मैजिस्ट्रेट वॉन्टेड टू पोस्टपोन द हियरिंग, मैजिस्ट्रेट साहब इस हियरिंग को स्थगित करना चाहते थे ऑफ द केस ऑन द सेम डे, लेकिन उन्होंने कहा, बट गांधी जी इंसिस्टेड, गांधी जी जिद पे अड़ गई, नहीं जी आज ही सुनवाई करो, आज ही करो जो भी फैसला करना, मुझे जेल भेजो, जहाँ मर्जी भेजो. ऑन द मैजिस्ट्रेट वॉन्टेड टू पोस्टपोन द हियरिंग, हियरिंग ये सुनवाई, केस की सुनवाई, हियरिंग ऑफ द केस, बट गांधी जी इंसिस्टेड, गांधी जी ने कहा नहीं मुझे आज ही सुनवाई करानी अपने केस के, ऑन द हियरिंग ऑफ द केस ऑफ द सेम डे. गांधी जी इवन प्लीडेड गिल्टी, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, प्लीड गिल्टी का मतलब है उन्होंने मान लिया कि मेरे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हो वो सब सत्य हैं, आप मुझे सजा दो. प्लीड गिल्टी का मतलब द ऑफेंडर और जो भी व्यक्ति है अक्यूज्ड है वो कह रहा है कि मैं कसूरवार हूँ. ही वॉज स्पेशली चार्ज विद, उस पर उन पर जो चार्ज लगा था वो था ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की आज्ञा नाम अवहेलना, कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं कोर्ट की किसी आज्ञा की अनदेखा करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये एक सीरियस ऑफेंस होता है, इसके लिए आदमी को जेल हो जाती है. द मैजिस्ट्रेट कंसल्टेड हिज हायर अथॉरिटी, मैजिस्ट्रेट साहब ने हायर अथॉरिटी मतलब जैसे ADJ एडिशनल सेशन जज वगैरह से बात की होगी, एंड डिसाइडेड टू रिलीज, उन्होंने कहा आप ऐसा करो इस स्थिति से बचो, इनको रिलीज़ कर दो बिना किसी जमानत के, बेल बॉन्ड भी नहीं भरवाया. बेल बॉन्ड होता है बेटे, बेल बॉन्ड होता है किसी के भरोसे पे, किसी की श्योरिटी पे, श्योरिटी मतलब गारंटी पे, कि मैं गारंटी लेता हूँ ये व्यक्ति कोर्ट की कार्रवाई में निरंतर अपना योगदान देगा, मतलब कोर्ट की जब भी हियरिंग होगी इसके केस की ये आके यहाँ पे उपस्थित होगा कोर्ट में, बिना बेल के ही रिहा कर दिया. लेटर ऑन बाद में ऑल द चार्जेस वर ड्रॉप बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट का छोटा वर्ड है LT और पूरा वर्ड है लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस एरिया के थे उन्होंने उसके सारे चार्जेस गांधी जी के हटा दिए, ड्रॉप कर दिए. आफ्टर लॉट ऑफ डेलीब्रेशन एंड डिस्कशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस कानून को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधियों का डेलीगेशन कहते हैं शिष्टमंडल, कई बार गया और डिस्कशन हुआ सब चीज़ों पे. पहले वो 100% पैसा वापस जा रहे थे, फिर 50%, फिर बाद में 25% पे सहमति बनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, एग्रीमेंट वाज रीच, एक समझौते पे पहुंच गए सब, सबकी सहमति बन गई, मतलब यूनैनिमस सा डिसीजन हो गया. यूनैनिमस होता सर्वसम्मति से सबकी राय लेके, अंडर विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिफंड. और क्या तय किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 25% जो अभी तक किसानों ने पैसा दे रखा है उसका 25% रिफंड कर देगी फार्मर्स का जो पैसा था. एंड द लॉ ऑफ शेयर क्रॉपिंग वॉज स्क्रैप, और इस तरह से लॉ ऑफ शेयर क्रॉपिंग हटा दिया गया. स्क्रैप का मतलब ख़त्म. इट वॉज द रियल बिगनिंग ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. यहाँ से अगर हम देखें भारत की आज़ादी की लड़ाई की ये वास्तविक शुरुआत थी. गांधी जी, उनकी पत्नी और उनके बेटे ने मिलके अलोंग विद मैनी अदर सोशल एक्टिविस्ट, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं समाज सेवी, एंड अदर सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय हुए हैं, स्वामी दयानंद जी हुए हैं, एंड फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं मानवता का भला चाहने वाले. थोड़ा सा टफ वर्ड है लेकिन है बहुत अच्छा. फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब दोज हु लव मैनकाइंड एंड वांट्स इट्स वेलफेयर. ह्यूमैनिटेरियन भी वही वर्ड है बच्चों. मेड मैनी डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स, बहुत से प्लान और प्रोग्राम बनाए भारत के लोगों के विकास और उत्थान के लिए. बेटरमेंट भी बोलते हैं, डेवलपमेंट, बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट एक ही बात है. फॉर द सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल अपलिफ्टमेंट एक ही बात है, भारत की संस्कृति, भारत के सामाजिक विकास के लिए. द पीपल ऑफ चंपारण, गांधी जी अलोंग विद हिज वाइफ एंड हिज सन, गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के साथ मिलके टोल्ड द पीपल, लोगों को समझाया, सिखाया अबाउट सैनिटेशन, स्वच्छता,
अभियान, हेल्थ एंड हाइजीनिक लिविंग, हेल्थ क्या है, हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और साफ़ सफाई, स्वच्छता से रहो, मेडिसिंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ बताई, मलेरिया की, बुखार की, वगैरह वगैरह की, एट्सेट्रा। इट वॉज़ अ रियल बिगनिंग, ये वास्तविक शुरुआत थी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, भारत की आज़ादी की लड़ाई की। गांधी जी वांटेड इंडिया, गांधी जी चाहते थे जो आज़ाद भारत हो वो सेल्फ रिलायंट हो, अर्थात स्वावलंबी है। स्वावलंबी कहते हैं जो अपने ऊपर, किसी और के ऊपर आश्रित ना हो, हेल्दी हो, मतलब लोग यहाँ के स्वस्थ हों, लोग खुश हों एंड खुशहाल हों, प्रोस्परस हों। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आप कह सकते हैं पूरे सिलेबस का, और इसमें से क्वेश्चन आना बहुत मतलब कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं, कई बार इसमें से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टेंजा भी आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड स्ट्रीमलाइन ऑल द आइडियाज़ रिलेटेड टू दिस लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, मिस्टर गांधी जी जो थे। और आपको भी इस वीडियो को समझ के समझ में आ जाएगा कि कितना आसान हमने इस वीडियो को बनाया है। प्लीज़ डू वॉच, डू शेयर, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, सो दैट वी मे गिव यू फर्दर एंड फ्यूचर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लेसन्स। थैंक यू वेरी मच।